इन सब ने ग्लोबलाइजेशन को स्टडी किया था और उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस बताए। तो आप स्टार्टिंग में जब अपना इंट्रोडक्शन फॉर्मुलेट करते हैं तो आप इन थिंकर्स को रेफरेंस देते हुए बात कीजिए। देखिए, आप सबको ये समझना जरूरी है कि सोशियोलॉजी के मेजर टॉपिक बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है जीएस टॉपिक से, ठीक है। तो जब आप जीएस टॉपिक्स पढ़ेंगे और जब आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम इकोनॉमी की डिस्कशन कर रहे हैं, सो यू विल फाइंड सिमिलैरिटीज, बट हियर यू डू नॉट हैव टू राइट इन अ जीएस मैनर। आपको जीएस मैनर में आंसर नहीं लिखना है, सोशियोलॉजिकल मैनर। उसके दो चार टिप्स आपको याद होनी चाहिए, जैसे भी हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया है। तो क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर आप क्या लिखेंगे। जैसे यूपीएससी ने 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो लेबर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में उनका ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया, अब ज्यादा इंक्रीज हो गया। ओके, तो अब इस चीज को आप सोशियोलॉजिकल आंसर लिखेंगे कैसे। दो चार थिंकर्स आपको याद होने चाहिए जो हम सब पढ़ चुके हैं, ज़िगमंड बोमैन, उल्रिक बेक, जॉर्ज रिट्ज़र, डेविड हेल। इन सब ने ग्लोबलाइजेशन को स्टडी किया था और उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस बताए। तो आप स्टार्टिंग में जब अपना इंट्रोडक्शन फॉर्मुलेट करते हैं तो आप इन थिंकर्स को रेफरेंस देते हुए बात कीजिए। फिर आप बताइए कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया। जब कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो कंपनीज ने फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट ढूंढनी शुरू करी। फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस भी आपका पता है कि कैसे इंक्रीज हुआ है। तो जहां पे भी चीप लेबर मिल रही है वहां पे कंपनीज जा रहे हैं और हायर कर रहे हैं लेबर्स को इनफॉर्मली, ओके, लो वेजेस में। अब इस वजह से एक इम्पैक्ट आपको ये भी देखने को मिला ग्लोबलाइजेशन का कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क बढ़ गया। अब इनफॉर्मलाइजेशन या इनफॉर्मल सेक्टर आपका जिस समाज में भी ज्यादा है तो उसका मतलब है कि इट्स अ साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर है तो कहीं ना कहीं आप टैक्स के रिजाइम में नहीं आ रहे। जितना ज्यादा फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगा उतने ज्यादा सरकार को टैक्स मिलेगा। सरकार को टैक्स मिलेगा तो वो सोशल सिक्योरिटीज या अदर वेलफेयर स्कीम्स में इसको यूज करेंगी। तो ये चैलेंज है, आपको इस वे में, सोशियोलॉजिकल वे में आंसर लिखना है। ओके, सो ये सारे फैक्टर्स आपको लिखने होंगे अपने आंसर्स में, तभी एक सोशियोलॉजिकल आंसर बनेगा। ओके, तो ये सारा पॉइंट आप लोगों को अपने आंसर्स में ग्रेजुअली लर्न करना है कि किस तरीके से ये आंसर आप लोग लिखोगे।